नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं फिरोज खान, आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में हैं, जहां पे आज हमने विनय रमण राव से बात की, जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने जो अपनी बात रखी उसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। आप नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं देवरिया के, आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, जरा विस्तार से हमें बताएं। पहले तो समझ जनता को हमारा प्रणाम, आप सभी को हमारा प्रणाम। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रमण राव, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया, हमारा यही सपना है कि उनके सपनों को पूरा करना अब हमारा उद्देश्य और मकसद बन गया है। उनके जो अधूरे सपने थे, जो उन्होंने पूरे नहीं कर पाए किसी कारणवश, उसको पूरा करना अब मेरा एकमात्र लक्ष्य बन गया है। आपके पिताजी स्वर्गीय रमण राव एक बड़े जुझारू और कर्मठशील नेता थे। उन्होंने नगर पालिका में बहुत से जो भ्रष्टाचार व्याप्त थे उनको दूर किया। कुछ योजनाएं उनकी अधूरी रह गई, आपको कौन कौन सी योजनाएं लग रही हैं जिनकी प्रमुखता से पूरी की जाएंगी आप रहेंगे पर बनेंगे तो? उनकी बहुत सारी योजनाएं अभी धरातल पे उतारना बाकी है, जैसे कि नगर का सुंदरीकरण उनका मकसद था। देवरिया शहर को मॉडल शहर के रूप में वे विकसित करना चाहते थे। उनकी प्रमुख जन समस्याओं में उनका ये भी एक मुद्दा था, नगर का सुंदरीकरण, पार्कों का सुंदरीकरण, सड़कों का सुंदरीकरण, पथ प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ करना, इस तरह की प्रमुख बिंदुओं पर उनका फोकस था, जिससे कि देवरिया शहर एक मॉडल शहर के तौर पर विकसित हो और देवरिया में आने वाला हर इंसान ये कहे कि मैं शहर में किसी ऐसे शहर में आया हूँ जो एक स्वर्ग के तौर पर देखा जा सकता था। देवरिया की पहचान जो वार्डरोब की गंदगी से आज की पहचान है, जबकि हमारे डीएम महोदय द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा व्याप्त है जिसमें सफाइयां नालियों की नहीं हो पा रही है, इस संबंध में क्या करना कहना चाहते हैं आप? देखिए, इस संदर्भ में मैं जिला प्रशासन को बराबर कागजी कार्रवाई द्वारा निर्देशित करता हूं। पालिका प्रशासन को हमेशा उनके पक्ष उनके खिलाफ मैं लिखता रहता हूं कि जो सड़क की समस्या है, जो नाली की समस्या है, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो बजबजाती नालियां हैं, जो गंदगी का अंबार लगा है, इस पे वे चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा करें। देवरिया शहर बहुत ज्यादा जाम से जूझ रहा है, इस संबंध में आप अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, अभी तक पालिका प्रशासन के पास कोई ऐसी भूमि नहीं है जिससे कि वे कहीं स्टैंड का निर्माण कर सकें। पालिका प्रशासन आम जनता से टैक्स के रूप में हमेशा लेती है, पर कहीं कभी इस तरह की उन्होंने जनता को व्यवस्था नहीं दे पाई, जो कि बाहर से आए हुए लोग अपने गाड़ियों को कहीं सुचारू तरीके से स्टैंड पे लगा सकें। इसके लिए हमारे दिमाग में, हमारे स्वर्गीय पिताजी के दिमाग में ये बात चल रही थी कि हम कहीं बाहर में जमीन एक्वायर करके लीज पे लेके एक स्टैंड का निर्माण करवाया जाए, ताकि जो बाहर से लोग जनता आती है वहां पे अपने गाड़ियों को पार करें और आसानी से अपनी खरीदारी करके अपने गांव या शहर अपने जा सकें, जिससे कि हमारी व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था या लोग बाधित न हो। सड़कों की नालियों को लेकर आपका क्या विचार है? जो शहर की सड़क की नालियां हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, काफी टूटे फूटे सड़क हैं, जर्जर सड़क हैं, जो कि शासन प्रशासन द्वारा आदेश भी था कि गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, कुछ डेट भी निर्धारित किया गया था शासन द्वारा, तो इसके विषय पे आप अध्यक्ष बनने के बाद से इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? विगत 7 सालों से हम तो कई बार शासन को, पालिका प्रशासन को और जिला प्रशासन को विगत 7 सालों का मैंने कई बार लिख के दिया कि साहब आप इसकी जांच कराइए। आज की डेट में नगर पालिका परिषद देवरिया भ्रष्टाचार की जननी मानी जा रही है। जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं वहीं से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि हमसे तो आम जनता आके हमेशा मिलती रहती है। अभी निर्माण, जिस घर में निर्माण, शहर में जहां पे भी निर्माण हो रहे हैं मकानों के, वहां पे पालिका प्रशासन द्वारा किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा धन उगाही का कार्य हो रहा है। केवल नालियां, सड़कें जो भी हैं
वे मजदूरों को केवल कागजों पे दिखाई जा रही हैं, न कि जमीनी स्तर पे कोई मजदूर है ताकि उसकी सफाई हो, न कि जमीन पे कोई ऐसी सड़क है जो टूटी फूटी ना हो, पर कागजों में वे सड़कें चुस्त और दुरुस्त हो जा रही हैं, पर जमीनी स्तर पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि आम जनता हमेशा परेशान रह रही है और समय अनुसार पर भी कहीं चोटिल हो जाती है, कहीं घटना दुर्घटनाएं घट जाती है। अभी कई जगहों पे स्लेब टूटे हुए हैं, कई जगहों पे गड्ढे बने हुए हैं, कई जगहों पे नालियां बजबजाती हैं, कई जगहों पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हाल ही में जिला प्रशासन जिला अधिकारी द्वारा पालिका को बोले कि साहब देखिए यहाँ पे गंदगी का अंबार है, कई अखबारों में भी आया, पर अभी तक वहाँ पे कोई बारिश के मौसम में भी सड़कों पे पानियों का अंबार लग जाता है शहर के अंदर, पालिका शहर के अंदर। ये पालिका प्रशासन द्वारा ये पालिका प्रशासन की ये खामियां हैं, पालिका प्रशासन इसको चूंकि इस समय केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार में हजार में कहा कि केवल कागजों पे ही सारी गतिविधि उनकी हो रही है, जमीनी स्तर पे जमीन पे या जनता के बीच में कोई ऐसा उन्होंने कार्य नहीं किया जिससे कि ये साबित हो जाए कि पालिका ने इसको किया है। ये पालिका द्वारा भ्रष्टाचार का ही ये भ्रष्टाचार है, यानी कि आपके कहने का मतलब है नगर पालिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है। जी आप पूरी तरह से नाकुश है पालिका प्रशासन से। मैं विगत कई बार कई महीनों से मैं पालिका प्रशासन के खिलाफ जिला प्रशासन को लिखा हूं, जिससे कि हमारी ये मांग है कि जो पालिका प्रशासन पिछले 7 से 10 सालों में उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उसको सीएससी जांच कराई जाए, जो भी लिप्त कर्मचारी अधिकारी जो भी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि जनता की मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचने का कार्य हो और आम जनता उन सब सुविधाओं को लेते हुए अपने आप को अच्छा महसूस करे। ऐसा संज्ञान में आया है कि नगर पालिका द्वारा कुछ चहेते ठेकेदारों को कुछ ठेका दिया रहे जो कार्य नहीं करा रहे हैं, इस संबंध में आप क्या करेंगे? देखिए पालिका में आज के डेट में उनके सारे ही चहेते हैं, कोई ऐसा ठेकेदार, मैं किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं कह सकता, पर कोई ऐसा ठेकेदार नहीं है जो वहां से जुड़ा ना हो और वहां से कोई अच्छा फल प्राप्त ना किया हो। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आज अपने आप लोग खुद देखिए कि क्या गलत है क्या सही है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त आज नगर पालिका है उसके खिलाफ मैं मुहिम छेड़ा हूं, उसके खिलाफ मैं चल रहा हूं, उसके खिलाफ जनता अपने साथ बुद्धिजीवी युवाओं को जोड़ते हुए उसके खिलाफ मैं लड़ाई छेड़ा हुआ हूं। आने वाले समय में हम सब एक होकर इसको और आगे संगठित करके आगे मजबूत दिशा में करते हुए जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक अच्छी और पालिका का निर्माण किया जाए। सबसे तेज सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान, गरीबी के निशान।